हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग का प्रणाम। आयो नेहा दीदी का चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई और पराठे। आज हमने सेवई और पराठे बनाने का, बच्चे लोग बोले सेवई और पराठे बनाने के लिए। देखिए, आज हम सेवई और पराठे बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने पूरा सामान रख लिया है। ये देखिए हमने 2 पैकेट सेवई ले आए हैं, और ये हमने नारियल और किशमिश बारीक कटे हुए हैं, हमने पूरा कट करके रख लिया अच्छे से। ये देखिए नारियल और किशमिश है, और ये देखिए दूध है, देखिए बाल्टी में दूध है, ये देखिए ये दूध है इसमें, और देखिए ये घी है। हमको घी सेवई भूजने के लिए भी चाहिए, और पराठे जिसको जिसको पसंद है घी में उसके लिए घसेंगे, और जो नहीं खाता है घी में उसके लिए तेल में करेंगे, तेल में घस देंगे उसके लिए। और ये हमने चीनी रखा है, स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना मुझे चाहिए उतने ही डालेंगे। ये देखिए हमने चीनी रख लिया, पूरा पूरा हमने सामान इकट्ठा करके रख लिया है अच्छे से। और ये देखिए हमने तेल भी रख लिया है, जिसको जिसको पसंद है उसको घस देंगे पराठे में। और ये हमने आटा है, हमने गूंद करके अच्छे से रख लिया है, और ये हमने पानी रखा है, हमें पानी का भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम सेवई बनाएंगे, उसके बाद दूध डालेंगे, तो हमें बाल्टी जो है, बाल्टी में हमने दूध रखा है, ओखा खाने के लिए भी चाहिए, और अगर कम पड़ जाए तो देखेंगे, पतला मुझे चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो डालेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं डालेंगे। ज़्यादा केवल दूध भरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो हल्का पानी उसमें डालना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी दूध रहे, ठीक है। और चलिए हम अब आग जलाते हैं। ये देखिए हमने आग जला लिया है, ये देखिए, ये देखिए हमने आग जला लिया है। अब हमने कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, ये देखिए हमने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है इसे, ये देखिए कढ़ाई चढ़ा चुके हैं। और चलिए अब हम इसमें, चलिए अभी इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद इधर दूसरा काम कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि आगे हमने जला दिया है, कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा है, अभी तो नहीं हुआ है, हो रहा है, तब तक हम चलते हैं 2-4 टमाटर तोड़ के ले आते हैं चटनी बनाने के लिए, ठीक है। अभी हम यहीं जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, जा रहे हैं, बच्चे बच्चे को साथ में लेगा, यानी तो इधर छू लेगा। बाबू शुरू में कढ़ाई को छू लिया था हल्का टाइप पर, हम बाहर काम कर रहे थे और सब्जी चढ़ा हुआ था, तो बाबू हल्का सा छू लिया था, तो देखे तो लाल हल्का हुआ था, तो हमने उसमें बोरो प्लस लगा दिया, तो ठीक है। बाबू अब बाबू को जब बाद में देखे तो खड़ा हो गया है, तो ठीक है। अब हम जा रहे हैं, बच्चा लोग ले करके जा रहे हैं। हमने टमाटर तोड़ा नहीं थे क्योंकि हम सुबह गए थे खेत तरफ, तो अभी तो शाम हो गया, अब आएंगे उधर से तो सजोद दिखाएंगे दिया बाती, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए हमने टमाटर तोड़ के ले आए हैं, ये देखिए हमने टमाटर तोड़ के लिया है। अभी हम इसको धो करके अच्छे से रखते रहे यहाँ पे, चटनी बनाना होगा, जब हम बना लेंगे तो चटनी बनाएंगे। अब हम चलिए दिया बाती दिखा लेते हैं, उसके बाद शाम के टाइम होगा सजो दिखा लेते हैं, उसके बाद हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब दिया बाती दिखाते हैं। देखिए अब हम दिया बाती दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। हम अब जा रहे हैं बाहर, शंकर जी का चौतरा हम लोग का बना है, सब संत के शंकर जी बैठा है हम लोग, अभी हम वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आएंगे तो बनाएंगे। चलिए हम आ गए दिया बाती दिखा कर, हमने रख दिया उसे, देखिए धुआं धुआं जैसे आ रहा है, हमने रख दिया उसे। चलिए अब हम बनाते हैं, लेट भी हो रहा है बनाने के लिए, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम घी ऐड करेंगे।
है कि आग जला करके हमने इसमें दो तीन काम कर लिए। चलिए अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने कढ़ाई में डाल दिया घी, घी डाल दे हमने। अब इसे हम रख देंगे। अब ये जब अच्छा गर्म हो जाएंगे तब सेवई डालें। अब हम इसमें सेवई ऐड करेंगे भूनने के लिए। देखिए दो में है, इसी तरीके से हम दोनों डाल लेंगे। हमने पूरा सेवई दोनों इसमें डाल दिया। हम इसको अच्छे से तेज चलाएंगे भूनने तक, हल्का लाल टाइप पर। जब भूरा हल्का हल्का भूरा हो जाएगा अब इसमें हम हल्का सा धो करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमको डालना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ बाबू, अभी बना नहीं है। ये बचन हुआ भी से खाने के लिए मांगने लगा, बन जाएगा उसके बाद ना। देखिए मेरा दूध में उबाल आ गया है। देखिए हम डाल रहे हैं सेवई, और हमने जो बारीक कटे हुए थे पूरा नारियल और किशमिश, ये देखिए हम उसमें डाल देंगे। ले लो। और बाबू रोने लगा कि क्यों डाल रही है सारा, और है नहीं बाबू घर में। और देखिए हमने पराठे भी किए थे, ये देखिए हमने। अब हम इसको घसेंगे अच्छे से। देखिए इसमें हमने पराठा बना के रेडी कर लिया। अब हम इसमें सेवई ऐड करेंगे। उबाल आ गया है दूध में अच्छे तरीके से। हमने सारा चीज डाल लिया है। अब ये जब हल्का गढ़ा जाएगा उसके बाद उतार देंगे। अब हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। ये देखिए चीनी है हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। चीनी भी डाल करके हमने अच्छे से चला देंगे इसको, ताकि सेवई है वो बैठे ना। अभी तुरंत डाले ना इसके अंदर से। हाँ आटा क्या करेगी, खिला। देखिए सेवई मेरा अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए पंच कोई लाइट नहीं है अभी, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। ये देखिए बन करके तैयार हो चुका है, और पराठे भी बन चुके हैं। ये देखो हमने पराठे भी बना लिए हैं। ये देखो हमने पराठे बना चुके हैं, पराठे भी बना लिए। और सेवई और पराठे अच्छे आपको लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखिएगा जरूर और शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल का नाम है नेहा दीदी। और अच्छा सेवई और पराठे अच्छे लगे तो कमेंट में करके बताइएगा जरूर। बाय बाय। देख नहीं रहा लाइट है।